वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सुशील कुमार इत्थे बड़ू साहब से पिछले 12 सालों तो आईटी दी सर्विसेज ते इत्थे सेवा कर रहे हां। प्रकृति दे कहर दे सामने इंसान दी जिहड़ी सहूलियत उस बनाई हुई हुंदी है उन्हां नूं मिटण च किन्ना क टाइम लगता है, आ असी 25 सितंबर नूं अपनी अखां नाल देखिया है। तुसीं इत्थे मेरे ऑफिस नूं भी देख सकदे हो, इत्थे सारा कुछ खिल रहा होया है ते हुण ज़्यादा ऑफिस सा नहीं लग रहा, इदां लग रहा है वी इत्थे सारा वेस्ट मटीरियल इकट्ठा किया गया है। अगर अज की असी गल करिए तो डिजिटलाइजेशन अज के टाइम के सिर्फ सहूलियत ना रह के एक जरूरत बन गई है। बड़ू साहब से भी असी कंप्यूटर्स बहुत सारे ऑफिसिज कामों लई ते बच्चों के प्रैक्टिकल वास्ते कंप्यूटर्स नू यूज़ करते हैं। इस प्रकृति के कहर तो आईटी डिपार्टमेंट का बहुत वड्डा लॉस हो गया है। करीबन 80 से 90 कंप्यूटर इत्थे पूरी तरह पानी के डुब गए हैं, वो मिट्टी के नाल पूरे भर गए हैं ते उन्हां नू रिकवर करना इस टाइम मुमकिन नहीं है। इस तरह ही इत्थे जिहड़ा इंटरकम्युनिकेशन सिस्टम है, ईपीबैक्स मशीन है, उहदा भी रूम जिहड़ा सी उह पूरा दा पूरा डुब गया सी ते मशीन भी कंप्लीटली डैमेज हो गई है। तो इस तरह बहुत सारी कम्युनिकेशन फैसिलिटी देण वास्ते, इंटरनेट नैटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड करन वास्ते असी बड़ू साहब से फाइबर का लेआउट किया होया सी ते जो फाइबर का रूट सी वह फाइबर भी कंप्लीटली टुट गई है। नुकसान तो बहुत वड्डा है, लगभग अगर मैं अज के हिसाब नाल कैलकुलेट करा तकरीबन 60 लाख रुपीज़ का लॉस हैगा है। साध संगत जी, मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि तुसी अपना बढ़ चढ़ के इत्थे सहयोग पाओ ते आईटी सर्विसिज़ नू रीस्टोर करन दे लई साडा साथ दो ते सारी सर्विसिज़ जल्दी तो जल्दी असी रीस्टोर कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।